बाराबंकी जनपद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति संगठन का धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार को लेकर तीसरे दिन भी सफदरगंज क्रय केंद्र पर जारी रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला को जिला विपणन अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने घंटों समझाया, लेकिन किसान अध्यक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। कहा, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, चाहे हम लोगों को शहीद ही क्यों न होना पड़े। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और जल्द ही धान तौल करवाने का निर्देश विपणन अधिकारी पवन कुमार को दिया। जांच कराकर एसमाई के विरुद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए। एडीएम के आश्वासन पर नोकझोंक होने के बाद जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा सहित किसान नेताओं ने जिला विपणन अधिकारी से जूस पीकर भूख हड़ताल समाप्त किया। इस मौके पर मुराद अली, सोनू वर्मा सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाराबंकी जनपद से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, इनकी क्या समस्याएं हैं और क्या निस्तारण आज हुआ है? नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के जो है हमारे देवेंद्र कुमार शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष, इनका फोन आया मेरे पास, तो कल ही मैंने नायब साहब को निवेदन, उसके बाद मैं आज भाग कर के आया कि क्या बात है। तो इनके कुछ इश्यूज़ थे कि साहब हमारा यहाँ पे इतनी ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं और उसमें जो है हमारा जो है विधान जो है कुछ लोगों का जो है नहीं तोड़ा गया है। तो मैंने इनसे बात किया तो उसमें मैंने देखा ट्यूजडे एंड फ्राइडे कि हमारा रिजर्व है छोटे किसानों के लिए, ठीक है, उसमें तोड़ा जाएगा। हमने और कोई प्रॉब्लम बताइए जो काफी दिन टोकन सर, ये काफी दिनों से महीनों से धान किसानों का नहीं तोला जा रहा है, आखिर इनका कब तोला जाएगा? यहाँ पर कितनी ट्रालियाँ लगी हुई हैं? तो निश्चित तौर पर जब टोकन इशू हुआ है तो उसमें किसी का पहले होगा, किसी कम जो पहले आए उसका पहले, जो बाद में बात उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आया। तो खैर बात मेरी हो गई है आपसे, और सब में टोकन लग करके इनको एक समय दे दिया जाएगा कि जिस तारीख को जिसका टोकन हो उस तारीख को उनका तोड़ा, ये हो गया। लेकिन सर जैसे छोटे किसान का टोकन नहीं, छोटे किसान का कोई बात नहीं, छोटे किसान जो विदाउट टोकन ट्यूजडे एंड फ्राइडे, लेकिन सर इसमें जैसे कई दिन से टाली उनकी खड़ी है, छोटे किसान का मतलब कई मतलब दो तीन महीनों से मतलब टाली बताए, छोटे किसान की टालियाँ नहीं है यहाँ पे, बताइए। हाँ छोटे किसान, कल हम यहाँ पे कवर। आज जो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे इसका क्या मामला था? अनिल जी, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो कि हमारी खबरों को लगातार शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहे। दिनांक 4 तारीख से हमारे जिला अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा जी यहां धरने पर बैठे हुए थे भ्रष्ट SMI पवन कुमार के खिलाफ, जो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमारे आज दिनांक 6 तारीख को अभी ADM साहब आए और पूरा प्रशासन आया, मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी बात को सुना, आश्वासन दिया और इनके खिलाफ एक एफिडेविट दे करके जांच कराई जाएगी और अगर उसमें दोषी पाए गए तो ये यहाँ से बदले भी जाएंगे। क्या किसानों की धान की तौल कराई जाएगी? किसानों के धान की तौल का आश्वासन मुझे पूर्णतया दिया गया है, डिप्टी RMO साहब ने भी दिया है और ADM साहब भी देकर के गए हैं, कुछ खतौनियाँ किसानों की थी उनको लेकर के गए हैं और बाकी भी अब सुचारू रूप से उम्मीद करते हैं। सफदरगंज क्रय केंद्र पर जो धरना हमारा जनशक्ति के चल रहा था, इसका लाभ पूरे जनपद में किसान भाइयों को मिले, यही अपेक्षा करता हूं। जो ये धान क्रय केंद्र पर SMI लोग अभद्रतापूर्वक व्यवहार किसानों से करते हैं, मीडिया बंधुओं से करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अनिल जी देखिए, मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, सभी को सम्मान करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे किसान को अन्नदाता कहा गया, सरकार भी आज हम सरकार से लड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई बॉर्डर पे वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं किसी कृषि बिल के विरोध में, तो किसान तो हर तरीके से उसका शोषण ही होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी और किसानों की बात को आगे रख करके उसमें उचित समाधान करेगी। तो किसानों के आंदोलन के दौरान मौत हो गई, इस पर आप सरकार से कोई मांग वगैरह? देखिए किसान भाई जितने भी हमारे आंदोलन के लिए जो आंदोलन करने के लिए जो गए हैं, जहां पे उनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके सभी किसान भाइयों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मृत्यु का कोई वापस नहीं उठा सकता। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि अन्नदाता आज सड़कों पर मर रहा है, अगर अन्नदाता सड़क पर रहेगा तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।